वो हुनर ही क्या जो संघर्ष से न भरा हो, वो जुनून ही क्या जिससे लोहा ना पिघला हो, वो सपना ही क्या जो पूरा ना हो, वो पत्रकार ही क्या जो समाज से ना जुड़ा हो। ये है झारखंड के एक छोटे से गांव महेशपुर की रूबी खातून। कुछ कर गुजरने के जज्बे ने रूबी खातून को आज पत्रकार दीदी बना दिया है। कम्युनिटी जर्नलिस्ट ये बहुत ही बड़ा नाम है। अभी हम अगर कम्युनिटी जर्नलिस्ट के रूप में काम नहीं करते तो मुख्यमंत्री जी से अवार्ड नहीं मिलता। हमारे गांव में जो मेले लगे हैं तो उनमें भी हमें सम्मानित किया गया, वो नहीं मिलता। रूबी 2013 में बरकत आजीविका सखी मंडल की सदस्य बनी, जिससे रूबी को मास्टर बुक कीपर का काम मिला। इसके बाद रूबी ने टैबलेट पर काम करना सीख लिया, जिससे वो टैबलेट दीदी कहलाने लगी। लेकिन रूबी के अंदर सामाजिक स्वीकृति और सराहना की भूख थी, और उसके बाद रूबी ने सामुदायिक पत्रकार बनने का निर्णय लिया। तो हमारा जो कम्युनिटी जर्नलिस्ट का काम है तो ये सिर्फ गांव के लोगों के लिए ही है। लोगों का आजीविका अधिक बढ़ाने के साथ साथ किस तरह से दीदी लोग अपना योगदान उस पे दे रहे हैं, ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। आज महेशपुर गांव को रूबी खातून की पत्रकारिता की वजह से अलग ही पहचान मिल रही है, क्योंकि रूबी सखी मंडल की महिलाओं की सफलता की कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचा रही है। वीडियो बनने के बाद एक अजब सा चमत्कार हो गया कि हर तरफ से लोग कॉल्स आने लगे। हमें भी अंदर से एक एनर्जी आ गई कि चलो बहुत अच्छा हुआ, रूबी बहुत अच्छा काम की मेरे लिए। रूबी के लिखे कई लेख अखबार में छापे जा चुके हैं, जिससे रूबी को अपनी जॉब के साथ अलग आमदनी भी होने लगी है। रूबी अपने लेख और वीडियोस को सोशल मीडिया पर भी साझा करती है। आज रूबी अपने काम के बल पर देश भर में जानी जाने लगी है। सामुदायिक पत्रकार के रूप में रूबी ने दिल्ली में आयोजित सरस आजीविका मेले को भी कवर किया था। मैं इस वक्त इंडिया गेट पे लगे सरस आजीविका मेले पे खड़ी हूँ। यहाँ पे पूरे देश भर की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ के अपने अपने प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं। यहाँ पे आप भी आएं और एक प्रोडक्ट को देखें और मेले का आनंद उठाएं। मैं रूबी खातून, कैमरामैन राकेश के साथ, इंडिया गेट। छोटे से गाँव की रूबी के दिल्ली के सफर ने झारखंड की अन्य महिलाओं के मन में भी पत्रकारिता का सपना जगा दिया। कई महिलाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संवाददाता सखी की ट्रेनिंग में हिस्सा बनी, जहां चुनी हुई सखी मंडल की महिलाओं को अलग अलग किस्तों में लिखने, फोटोग्राफी एवं सोशल मीडिया का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वे एक कुशल कम्युनिकेटर बन सकें। इस ट्रेनिंग ने बमहनी गांव की लक्ष्मी देवी के जीवन जीने की सोच को ही बदल दिया। तो सोचे थे घर की महिला ही बनेंगे, लेकिन घर की महिला से अभी हम कुछ आगे बढ़े हैं, तब सोच भी मेरा आगे बढ़ रहा है। 23 साल की लक्ष्मी अपने घर परिवार को संभालने के साथ साथ अपने गांव की सखी मंडल की महिलाओं से मिलती है और उनके सफल प्रयासों को लोगों तक पहुंचाती है। एक महिला थी जो कि वो टपक सिंचाई द्वारा खेती कर रही थी, तो हम जाके उनसे बात किए, किसी तरह उसका मतलब स्टोरी लिखे, जब छपा और उसको मार्केट में बेच रही थी सब्जी और जाके दिखाए, तो वो देख के पूरा खुश हो गए और बाजार में जो आसपास थी महिला सबको दिखाने लगी। लक्ष्मी पत्रकार दीदी होने के साथ साथ ग्राम सभा की अध्यक्ष भी है, जिसके कारण वो सरकार की सभी योजनाओं से परिचित रहती है। अपनी जागरूकता के बल पर लक्ष्मी ने आंखों की रोशनी से परेशान विदेशी नायक का आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज कराया और उसके जीवन में रोशनी भर दी। दोनों आंख दिखाई दे नहीं रहा था, लक्ष्मी हमको इलाज करवाए, इस चलते आप लोग को हम भी देख पा रहे हैं। इलाज के बाद लक्ष्मी ने उसकी वीडियो बनाकर फेसबुक और ट्विटर पर भी शेयर की, जिससे पत्रकार दीदी लक्ष्मी के काम को खूब सराहा गया। लक्ष्मी अब अपनी कलम को और मजबूत बनाना चाहती है और अपने गांव की कला को देश भर तक पहुंचाने की इच्छा रखती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत होने वाले कम्युनिटी जर्नलिस्ट के जरिए एक ओर जहां अनकही अनसुनी सफलता की कहानियां सुदूर गांवों से सीधे आती हैं, वहीं दूसरी ओर आजीविका मिशन से जुड़ी कहानियों के साथ पत्रकार दीदियां अपने लेख और वीडियो के माध्यम से कुछ कमाई भी कर लेती हैं।